ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को तलब किया। जैकलिन से ईडी इस मामले को लेकर कई बार पूछताछ कर चुकी है। ईडी सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलिन से पहले भी कई बार पूछताछ करके उनके बयान दर्ज कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ दिन पहले ही कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। हालांकि अदालत ने जैकलिन के खिलाफ लुकआउट नोटिस को निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने जैकलिन को 21 मई से 6 जून के बीच अबू धाबी में हो रहे आईफा अवार्ड में शिरकत करने की इजाजत दे दी थी। ठग सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए से जबरन वसूली करने के आरोप को लेकर ईडी की जांच चल रही है। आरोप है कि जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन को महंगे गिफ्ट दिए थे। ईडी ने उन पर कार्रवाई करते हुए उनकी 7 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया, जिसे आरोपी सुकेश ने जैकलिन को गिफ्ट के रूप में दिया था। आपको बता दें कि इन सभी लेन देन के पीछे पिंकी ईरानी का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि पिंकी ईरानी के जरिए ही सुकेश चंद्रशेखर महंगे गिफ्ट जैकलिन तक पहुंचाया करते थे। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।